नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इंग्लिश की इस विशेष परिचर्चा में, जिसमें आप लोगों को पता है कि हम आपके आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं ईएमआरएस को लेकर के एक वैकेंसी आने वाली है। उस ईएमआरएस में जो आपके एकलव्य विद्यालय हैं, उस एकलव्य विद्यालय में जो आपके पीजीटी और टीजीटी का जो पेपर होने वाला है, उस पेपर में जो आपके जनरल इंग्लिश का पार्ट है, उस जनरल इंग्लिश के पार्ट में हम मॉडल पेपर की एक सीरीज चला रहे हैं। उन मॉडल पेपर की सीरीज में है, आपको पता है कि मॉडल पेपर की सीरीज में आपके जो 10 क्वेश्चन की सीरीज होगी, वो 10 क्वेश्चन जो आपके जनरल इंग्लिश के पार्ट्स में आएंगे, उन 10 क्वेश्चंस को हम टैकल करते हुए चल रहे हैं। उन 10 क्वेश्चन को आपको बताया गया है। इसी तरह से आपकी पिछली भी आपकी सीरीज हो चुकी हैं, 3-4 वीडियोस भी पढ़ चुके हैं इन मॉडल पेपर्स पे। तो इन मॉडल पेपर्स को आप सॉल्व करके जो आपकी एक सही स्ट्रेटजी होगी, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के साथ साथ आप उस चीज पर क्वेश्चन को अच्छे से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा चल रहा है, कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो आपके नए एग्जामिनेशन हुए हैं, इन एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और फॉर्मेट क्या है एग्जामिनेशन का, अभी जो आपका रिसेंट फॉर्मेट क्या है, अभी जो आपके रिसेंट फॉर्मेट जो आपके केवीएस के एग्जामिनेशन में जो रिसेंट फॉर्मेट बताया गया था, उसमें रिसेंट फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, इसमें वर्ड्स कैसे आ रहे हैं, आप इनके क्वेश्चन का लेबल देखेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न्स देखेंगे। तो उन सारे क्वेश्चन को एक जगह मिला करके कंपाइल किया गया, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की भी सीरीज, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन की सीरीज होगी। इस 10 क्वेश्चन में भी देखते हैं कि आपके कितने सही होते हैं, और आप इन सारी चीजों में कितने क्वेश्चन से आप वाकिफ हैं, कितने क्वेश्चन को आप लगा ले रहे हैं, और आपकी तैयारी कैसी है, तो इन सारी चीजों को हम देखते हुए चलेंगे। चलिए, यहां पर आपका पहला वर्ड है, कहा गया है द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, यानी कि ये जो वर्ड दिया गया है इसका आपको सिनोनिम बताना है। डायरेक्शन नीचे दिया गया है, एनिहिलेट वर्ड है, एनिहिलेट का आपको सिनोनिम बताना है कि एनिहिलेट का सिनोनिम क्या होगा। तो अगर आपको याद हो तो जब मैं वोकैब की क्लास ले रहा था, उसमें मैंने आपको एनिहिलेट और इरेडिकेट इन सारे वर्ड्स में बहुत अच्छा डिफरेंस बताया था कि एनिहिलेट क्या होता है, एनिहिलेट का कहां हम यूज करेंगे, एनिहिलेट के बारे में हम कहां बताएंगे। वोकैब की क्लास को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कंपाइलेशन में आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज के थ्रू उनमें सारे वर्ड्स को लगभग समझाया है कि कौन सी चीज त्यागने में, कौन सी चीज किस तरीके से, जो वर्ड्स की जहां इंपॉर्टेंस होती है उन सारे वर्ड्स को मैंने बताया है वहां पर कि कौन से वर्ड्स की किस किस जगह पे कितनी मीनिंग होती है। जैसे एनिहिलेट वर्ड की मैं बात करूं तो एनिहिलेट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना, यानी जड़ से मिटाना। कहते हैं ना कि हम तुमको जड़ से मिटा देंगे, तो जड़ से मिटाना जो होता है वही होता है आपका एक तरह से किसी चीज को बर्बाद करना, या किसी चीज को क्या कर देना, किसी चीज को बर्बाद करना, या किसी चीज को जड़ से ही मिटा देना, उसका उन्मूलन कर देना, इरेडिकेट कर देना। बेसिकली इरेडिकेट जो होता है वो इरेडिकेट ऐसी चीज होती है, जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी नियम का अगर उन्मूलन आपको करना है तो इरेडिकेट का यूज करते हैं। चलो इसमें देख लेते हैं, अगर बात करें कंज्यूम की, तो आप जितना डाटा कंज्यूम करते हैं, मतलब आप उस चीज को क्या करते हैं, अपने आप में अब्सॉर्ब करते हैं, सोख लेते हैं, कंज्यूम, तो सोखना तो इस तरह से रिलेट नहीं करेगा मीनिंग। हेजिटेट मतलब आप किसी चीज को लेकर के क्या है, हेजिटेट है, मतलब आप में क्या है, हिचकिचाहट है, तो वो चीज हो जाएगी। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद करना किसी को, यानी इसका सिमिलर मीनिंग जो आएगा आपका डिस्ट्रॉय आएगा। ब्लेम मतलब किसी को दोष देना, तो ब्लेम का भी आंसर आपका आएगा नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट क्या होता है, ट्रांजिएंट, पेरेनियल, परपेचुअल, इटर्नल, ये ऐसे वर्ड्स है ना जो आपके कॉम्पिटिशन ही नहीं, अगर कहीं आप इन सारी चीजों में आप परपेचुअल का यूज करते हो, पेरेनियल का यूज करते हो, तो ये सारे वर्ड्स आपको एक इंपैक्ट देते हैं इंग्लिश में, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। दैनिक आपके द हिंदू के पेपर में इस तरह के वर्ड्स बहुत देखने को मिलते हैं। तो चलिए अगर मैं बात करूं क्या ट्रांजिएंट की, तो ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो क्या है, इफीमेरल है। क्या है वो ऐसी कोई चीज जो क्या है, इफीमेरल है, मतलब शॉर्ट लिविंग है, ऐसी कोई चीज जो क्या है, अस्थाई है, ठीक ना, यानी अस्थाई के साथ ऐसी कोई चीज जो शॉर्ट लिविंग है, मतलब अस्थाई हो गया, थोड़े देर के लिए कोई चीज होगी, वो चीज होगी आपकी। इसका आपको अपोजिट बताना है, ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा। परपेचुअल की बात करें तो परपेचुअल क्या होता है, अगर परपेचुअल के बारे में बात करें तो आपको मैंने बताया था परपेचुअल क्या होता है, परपेचुअल सदाबहार, जो चिरस्थाई होता है, हमेशा रहने वाला, सदाबहार कह सकते हो। इसी को मैंने एक वर्ड में बताया था आपका कि पेरिनियल,
क्या होता है आपका पेरिनियल होता है, पेरिनियल के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। स्टिफ का मतलब क्या होता है, सख्त, ऐसी कोई चीज जो सख्त हो कठोर हो वो आप कह सकते हो। मीनिंगलेस मतलब भाव निरर्थक हो जाएगा, जिसका अर्थ ना हो, मीनिंगलेस हो, ठीक है। नोबल का मतलब यू आर वेरी पोलाइट, मतलब बहुत ही ज्यादा उदारवादी विचारधारा के हो आप, उदार हो तो वो नोबल होता है। तो आप देखेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ही परफेक्ट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है केवल दो वर्ड दिए हैं यहां पे, स्टॉप प्लेइंग। क्या दिया है यहां पे, स्टॉप प्लेइंग। प्लेइंग का आपको इस अंडरलाइन वर्ड, प्लेइंग जो आपका अंडरलाइन वर्ड है, उसका आपको क्या बताना है, उसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर देखा जाए तो आपको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बताना है, तो आपको मैंने बताया था अगर स्टॉप प्लेइंग की मैं बात करूं तो स्टॉप प्लेइंग को थोड़ा सा यहां एक देख लेंगे मैं किस तरीके से बता रहा हूं। ये अगर स्टॉप की बात करूं मैं तो स्टॉप बेसिकली किसी चीज का एक्शन बताता है, और एक्शन क्या होता है आपका, वर्ब ही होता है। और यहां पर क्या करा जा रहा है, किसी चीज को करने से रोकना, रोका जा रहा है, स्टॉप किया जा रहा है, मतलब किस चीज के लिए, प्लेइंग से। तो अब देखोगे आप तो ये क्या है आपका, ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन जब आप इन दो वर्ब एक साथ, तो आप देखोगे इस चीज के बारे में। तो मैंने आपको जब क्लास ली थी तो उस क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने उस क्लास में आपको ये बताया था कि ये जो आपकी आईएनजी फॉर्म होती है ना, ये जिरंड का काम करती है। कैसा, आपके जिरंड का काम करती है। और जिरंड क्या होता है आपका, जिरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होती है। जिरंड ये वर्ब की क्या होती है, एडवांस वर्ब का रूप है, जिसे आप क्या कहते हैं, एडवांस वर्ब के सेक्शन में आप इन्फिनेटिव पार्टिसिपल और जिरंड के थ्रू पढ़ते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है। ये बेसिकली किसके पार्ट होते हैं, ये आपके नॉन फाइनाइट सेक्शन के पार्ट होते हैं। तो वर्ब के बारे में, और जब भी आपको पता है कि आगे अगर वर्ब के तुरंत बाद आईएनजी फॉर्म यूज है, तो वहां पर व्हाट से अगर आपको रिप्लाई मिल रहा है, तो अगर आपसे कहा जाए व्हाट स्टॉप व्हाट, तो आपको रिप्लाई में क्या मिला, प्लेइंग। और यहां पे प्लेइंग आपको जवाब में जब मिल गया, तो ये व्हाट का जो रिप्लाई आपको यहां मिला, और व्हाट का जो रिप्लाई आपको मिल गया, तो व्हाट को रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई आप कैसे करेंगे, यहां पर आपको जवाब में एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। और आपको पता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, यहां पे ऑब्जेक्ट का काम करती है, और ये नाउन बनता है बेसिकली, और आंसर क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट नाउन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज। इस वाले वर्ड में थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या बनाना है इसका, इसका पैसिव, इसका आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। दो तरीके से इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ऑप्शन देख करके। अगर टू गेट की बात करें तो इसका आपको टू बी गॉटन, इस तरीके से भी आप इन्फिनेटिव का भी पैसिव बना सकते हैं। लेकिन यहां पर देखेंगे तो यहां पर कहीं पे भी यूज नहीं किया गया किसका, इन्फिनेटिव से पैसिव नहीं बनाया गया है। सिंपल वे में पैसिव बनाया गया है, आई एक्सपेक्ट को पहले उठा लो, बाकी किसी चीज को उठाने की जरूरत नहीं है। आई एक्सपेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे आई एक्सपेक्ट वॉट, ठीक ना, आई एक्सपेक्ट वॉट, लेकिन आपको यहां पर आई के रिलेट करना है ना, आई को, तो आई को रिलेट करेंगे तो इंपटी सब्जेक्ट होगा, एक इंपटी सब्जेक्ट को आप किससे रिफर करेंगे, तो आप इट से रिफर करेंगे, वही हो जाएगा आपका इट इज। और ध्यान रखेंगे एक्सपेक्ट आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होती है, इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती है ये, तो क्या हो जाएगा इज एक्सपेक्टेड। यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन मी का यहां पे कोई रोल नहीं है, यहां पर भी कोई रोल नहीं है, यहां पर हैज बीन तो होगा नहीं आपका, एक ही ऑप्शन बचा जो सी है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर फाइव में ये राम सेड हुर्रा आई हैव स्कोर्ड। अभी मैंने आपको पता है कि मैंने कल आपको हुर्रा से रिलेटेड आपकी चीज बताई थी, कि हुर्रा एक वर्ड आया था, उसमें मैंने बताया था कि हुर्रा जो होता है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट होता है, और जब आप हद से ज्यादा किसी चीज के लिए खुश होते हैं तो वो एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय होता है, और वही आपका क्या होता है, वही होता है आपका हुर्रा। तो यहां ध्यान रखेंगे जहां एक्सक्लेम्ड विद जॉय आएगा वही आपका आंसर होगा। एक्सक्लेम्ड यहां खत्म, यहां खत्म, यहां खत्म, और एक चीज और ध्यान देंगे, हैव जो है वो किसमें बदलेगा, हैड में बदल जाएगा, हैड भी यहां है, दैट कनेक्टर है, मतलब आपका आंसर सही है, डी ही आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, ये भी आपका एक पूरा फ्रेज है, इस फ्रेज को आपको अरेंज करना है एक मैनर्ड में, मैनर्ड फॉर्म में एक अरेंज करना है। इस मैनर्ड फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे, तो आप इस चीज को देखिए क्या कह रहा है। पहला है मैनर्स प्रोड्यूस, मैनर्स क्या है आपका, प्रोड्यूस है। मैनर्स के बारे में बात करें तो ये आपका नाउन होता है और ये आपका वर्ब है, नाउन और वर्ब तो यहां पे है। और बात करी जाए किस चीज के बारे में, फिर कहा गया है कि अ फेवरेबल इंप्रेशन, इंप्रेशन आपका नाउन हो जाएगा, और ध्यान रखेंगे ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा,
और ये आपका आर्टिकल ए हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे इस चीज की शुरुआत तो नहीं हो सकती ना, फेवरेबल इंप्रेशन क्या होगा उसके बाद, नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, ये जो आपका हिज कर्टियस है ना, तो हिज कर्टियस मैनर यानी वर्ब नाउन, और ये आपका क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये हिज किसके लिए आया, इस नाउन पर अधिकार बताने के लिए, यानी हिज कर्टियस मैनर डी के तुरंत बाद ए होगा। जहां डी के तुरंत बाद ए है वही आपका आंसर होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, जहां डी के तुरंत बाद आपका होगा, यानी सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, सेंटेंस की शुरुआत आपकी डी से होगी, आपका आंसर जो जाएगा वो सी जाएगा। समझ में आया? बाकी देखो डी यहां तो ये दोनों तो वैसे भी हट गए, यहीं पे दो आपके केस बनते हैं, तो बी से सेंटेंस की शुरुआत होगी नहीं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें आपको एरर फाइंड करना है। इसमें एरर फाइंड क्या करना है आपको, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कैन नॉट वन डू वॉट वन लाइक्स ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, सहमति के साथ साथ आपकी जो आपकी सौहार्द और मित्रता आप लोगों में जो होती है वही होता है आपका अकॉर्ड। एक चीज और ध्यान देंगे, अगर आप इस पूरे सेंटेंस में एक बार जरा वेरीफाई करेंगे इस सेंटेंस को ना, तो आप देखोगे कि यहां पे भी वन है, यहां पर भी वन है, तो यहां पर हिज क्यों है, ये क्या बदलेगा आपके वंस में बदलेगा ना, तो यानी कि आपका एरर कहां मिला आपको, एरर आपका डी में मिला। एक चीज और ध्यान देंगे, ध्यान ये देने वाली बात है यहां पे कि आपको कैसे करना है और किस तरीके से करना है, ये आपके बेसिकली वन बात करें, चाहे आपका एवरी लगा करके एवरी वन हो या एवरी बडी हो, समवन हो समबडी हो, एनी वन हो एनी बडी हो, नो वन हो नो बडी हो, आपको पता है कि ये कौन से नाउन होते हैं, तो आपको ये पता है कि ये सारे के सारे नाउन कौन से होते हैं, ये सारे के सारे नाउन आपके कौन से होते हैं, ये सारे के सारे जो प्रोनाउन होते हैं, सॉरी नाउन नहीं प्रोनाउन होते हैं, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, और इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है आपका, ये सब के सब सिंगुलर होते हैं, वन के साथ सारा केसेज आपका वन का चलता है बस, और इन सबके साथ आपका किसका चलता है, इन सबके साथ आपका हिज का चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द एबव सेंटेंस, ये आपका आई हैव बीन, आपको पता है ना इसके बारे में, तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या होता है ये, हैज या हैव के साथ अगर लगा करके बीन होता है, क्या होता है उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हो तो क्या कहता है वो, यानी काम जो है पास्ट में शुरू हुआ और क्या है प्रेजेंट में चल रहा है, वही चीज होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आई एम हैप्पी डैश हिम विद हेल्प। चलिए यहां पे मैं बता दूं एक चीज और, मैंने आंसर खैर बोल दिया है लेकिन इस चीज को आप समझ लेंगे कैसे आपको करना है। किसी चीज के लिए अगर किसी के काम के लिए, आई एम हैप्पी किसके लिए फॉर, अगर किसी व्यक्ति के लिए क्या करेंगे आप, किसी व्यक्ति के लिए कोई काम करते हैं आप, और क्या होता है आपका उसकी किसी हेल्प के लिए यानी विद के लिए, तो ध्यान रखेंगे यहां विद हेल्पिंग मी हो जाएगा, यहां क्या है पे आंसर क्या हो जाएगा, फॉर एक ही है, फॉर यहीं पे है, फॉर और विद का खैर मैंने बोल दिया था आंसर, आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं मूव, आपके लास्ट क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन है इसके बारे में देखेंगे। द पेशेंट इज नाउ फ्री, यहां पे बताना है आपको क्या करेक्ट ऑप्शन यहां पे भरना है, इसमें से कौन सा होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, और ये कह रहा है कि द पेशेंट, जो पेशेंट है ना, जो नौ आपका क्या है, जो रोगी है, इज अब वह क्या है, अब वह है फ्री, क्या है मुक्त है, किस चीज के लिए, डेंजर से, अब वह डेंजर से मुक्त है। तो आप इस चीज में जानेंगे तो देखेंगे तो डेंजर की ओरिजिन जो होगी वही आपका आंसर होगा, और ऑफ तो सेपरेशन बता देगा, विद टुगेदर विद बता देता है, साथ साथ की चीजें बताता है, विदाउट मतलब बिना होता है, यानी कि आपका आंसर जो जाएगा ओरिजिन से रिलेट करेगा, और फ्री फ्रॉम डेंजर होगा, यानी आपका आंसर जो इसमें जाएगा वो आंसर आपका होगा सी, परफेक्ट आंसर। तो चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, इसी तरह से आपकी और भी सीरीज मिलती रहेंगी, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते रहें, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।